हाय दोस्तों, आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगा एक जर्नी जो कि बहुत ही खूबसूरत से जगह में था, अंडमान में सिचुएटेड कोलिनपुर बीच, जो कि एयरपोर्ट से 30 किलोमीटर दूर है। अगर हम लोग कार से जाएंगे तो लगभग एक घंटे में पहुंच जाएंगे। तो चलिए जर्नी की शुरुआत करते हैं। जर्नी की शुरुआत सुबह 11 बजे स्टार्ट होती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा नीले आसमान के नीचे से जाता हुआ रोड हमें एयरपोर्ट और कोलिनपुर बीच को कनेक्ट करता है। तो चलिए सफ़र स्टार्ट करते हुए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। अंडमान एक ऐसा जगह है जो कि नेचर को इंसानों के बहुत करीब लाता है। ये जो आप लोग पानी देख रहे हैं, ये 2004 में जो सुनामी आया था तब चढ़ा था। तो जब चढ़ा था तो चढ़ा ही रह गया और ये उतरा नहीं है। तो आज तक ये पानी हम लोग देख सकते रोड के बगल जमा होते हुए, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा देता जब इसका ऊपर सूरज की किरणें रिफ्लेक्शन होके एकदम डायरेक्ट हम लोग का आँखों पर गिरता है। जब वो सीनरी ब्लॉक के एंड पे है, तब तक आप लोग इस ब्लॉग को कंटिन्यू देखते रहे, वो सीनरी आप लोगों को जरूर दिखेगी ब्लॉग के एंड पे।
दोस्तों हम लोग कोलिनपुर बीच पहुंच गए हैं। बीच में जाने के लिए एक फुटपाथ जो कि रोड और बीच को कनेक्ट करता है। तो चलिए इस खूबसूरत से फुटपाथ पे चलते हुए बीच पे जाते हैं। जब हम लोग बीच पे पहुंचे तो देखे कि और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे जो कि पार्टी करते हुए अपनी ज़िंदगी का मज़ा ले रहे थे। तो दोस्तों आखिरकार हम लोग बीच पहुंच गए। बीच का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था जो कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे एक फैमिली बीच के बगल टेंट लगा के अपनी बीच वाइब का मजा लेते हुए नेचर का आनंद लेता है। आखिर में कुछ सिनेमैटिक शॉट लेते हुए इस वीडियो में चांद डालते हैं। This is the ending point of Collinpur Beach. अभी हम लोग रिटर्न जा रहे हैं, वो साइड जाते देखते कैसे वहाँ पे नज़ारा।
पानी के अंदर भी। हम तो चप्पल ही पहन के आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेट होने वाला है और हम लोग घर के तरफ निकल पड़े। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने ना भूलिए। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।